भोरंज उपमंडल के झमियाट गांव के एक ग्रामीण ने अपने गांव के लोगों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ जिला उपायुक्त को शिकायत सौंपी है। शिकायतकर्ता पुष्पा कुमारी पत्नी अश्विनी कुमार गांव झमियाट डाकघर जिसबी ने कहा कि गांव झमियाट में 84.5 कनाल रकवा प्रदेश सरकार का है। इसमें गांव के ही कुछ लोगों को बेदखली के प्रमाण पत्र 4 अगस्त 2020 में मिले हैं। इस संबंध में एसडीएम के न होने पर सुनवाई नहीं हो पाई। 2007 में स्थानीय निवासी करम सिंह की ओर से शिकायत पत्र दिया था जिसमें अवैध कब्जों की मिसलें बनाई गई थी, लेकिन कुछ विभागीय कर्मचारियों ने मामले को दबा दिया। इसका विभाग के पास आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। वर्ष 2007 से 2020 तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस सरकारी भूमि पर रास्ता है, इस पर भी अतिक्रमण किया गया है। पुष्पा कुमारी ने कहा कि उनके घर की तरफ कोई भी पक्का रास्ता नहीं है, जो रास्ता है वहाँ भी लोगों की ओर से कब्जा किया हुआ है। उस रास्ते पर आने जाने पर कब्जा धारकों की ओर से गाली गलौज की जाती है और लोग मारने को उतारू हो जाते हैं। पुष्पा कुमारी ने कहा कि 13 वर्षों से लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। ग्रामीण महिला ने गांव के लोगों के साथ जिलाधीश को शिकायत पत्र सौंपा और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है और कहा कि सरकारी भूमि से लोगों का अवैध कब्जा हटाया जाए। हमारे गांव में सरकारी जमीन है काफी, जिस पर जमीन के लोगों ने कब्जा किया हुआ है और हम उसमें मतलब रास्ता तक नहीं देते हैं, हमें रास्ता तक नहीं वहाँ जाने के लिए देते। रास्ते में आते जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं बहुत ज्यादा, और उतना तो उतना हमें मारने के लिए भी पड़ते हैं। हमारे घर तक भी मारने के लिए आते हैं और रात को आते हैं मुँह वहाँ ढक के घर को मारने के लिए आते हैं हमारे, और हमारे बच्चों को भी डराते हैं। मतलब घर में हमें रहने नहीं देते, अगर हम अकेले रहते हैं तो रात को आते हैं मारने के लिए। और थोड़ी थोड़ी जमीन पर भी हमारा लगातार जबरा कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा भी मतलब रास्ते के लिए बिल्कुल नहीं देने आने जाने दे रहे हैं और गाली गलौज करते हैं। ऊपर से मेरे ससुर जी नौकरी करते हैं, उन पर भी अलग अलग इलिगेशन लगाते हैं। भैया जी रहते हैं घर पे, तो वो अनीता देवी हैं, वो आते हैं हमारे घर के अंदर में चली जाती है, उधर फिर दंगा जैसा लगा रहे हैं, हम अपनी जमीन में लगा रहे हैं, तो उधर भी हमारे लड़ाई झगड़ा कर रही है। और भैया के ऊपर झूठे आरोप लगा रही थी, बोला मेरे साथ लड़ता है, ऐसा करता है वैसा करता है कि मैं इसको अंदर करवा दूंगी। और इसी सरकारी जमीन को लेकर हमने एप्लीकेशन दी हुई है, तो उसके ऊपर हमारी अपनी जमीन पर भी हमारे पे लड़ाई झगड़ा करी है। सरकारी जमीन में तो हमें दे ही नहीं रही है जाने के लिए, तो बोलती है ये तो बोला सरकार के, बोला आपका नहीं, बोले इधर कुछ नहीं बोला। हमने बोले ये सरकार को ही देनी चाहिए, तो आप इसमें कैसे ये कर रहे हैं बोले। और तो उन्होंने मकान डाले हुए सभी ने वहाँ पे, सरकारी मकान है जितने भी मकान है वो सरकारी में डले हुए हैं। और हमारे हम दूसरी साइड से आते हैं घर के लिए, जहाँ से आते हैं वहाँ से हमारे को कांटे रख देते हैं, वो कुछ ना कुछ फेंके रखते हैं वहाँ पे, हाँ मेरे वहाँ से आने देते हैं। आज किससे मिले? हम तो आज किससे मिले, क्या मांग है आपकी? कि हमें वहाँ से सरकारी रास्ता मिले और उनके घर जो है उखाड़े जाए वहाँ से, या सभी को वहाँ पे कुछ ना कुछ मिले।